जरूरी नहीं कि हर बार कड़े शब्दों का इस्तेमाल करके ही अपराधी धमकी दें। कुछ अपराधी ऐसे भी हो सकते हैं जो आपको पूरे तहजीब के साथ धमकी दें। भरोसा ना हो और हंसी आए यह सुनकर, तो देखिए नवादा जिले के तिलैया स्टेशन पर आई इस चिट्ठी को। में लिखा है, श्रीमान रेल अधीक्षक महोदय से सविनय कहना है कि हमें 50 लाख रुपए चाहिए, नहीं तो बड़ा बाबू को गोली मार दी जाएगी। अब बताइए कि क्या कभी सुना है किसी अपराधी को इस तरह धमकी देते हुए? बिहार में अपराधी बेखौफ हो चुके हैं। हर दूसरे दिन कोई ना कोई आपराधिक घटना सामने आती रहती है। इस बार बदमाशों ने स्टेशन मास्टर से 50 लाख रुपए बतौर रंगदारी की मांग की है और रंगदारी न देने पर अंजाम भुगतने की धमकी भी दी है। नवादा के तिलैया जंक्शन के नोटिस बोर्ड पर इस धमकी वाली चिट्ठी के मिलने से हड़कंप मच गया। चिट्ठी किसी मक्खन दादा ने लिखी है। आज सवेरे सूचना पत्र पर देखा गया कि एक चिपका हुआ नोटिस था, जिसमें बोला गया कि मुझे 50 लाख रुपया हमें चाहिए, नहीं तो बड़ा बाबू को गोली मार दिया जाएगा और गेटमैन को भी मार दिया जाएगा। अगर जिंदगी चाहिए तो पैसा तिलैया नदी पुल के पास पहुंचा देना है। मांग करने वाला मक्खन दादा। यही सूचना हम लोग को मिली है। इसकी सूचना हम लोग तुरंत GRP RP लोकल पुलिस को दे दिए हैं। लोकल पुलिस यहाँ आए थे, उन्होंने इंक्वायरी करके गए हैं और सारे रिपोर्ट लेकर गए हैं। सर, तो इसमें आपको कितनी सच्चाई लग रही है? इसमें सच्चाई तो हम तो नहीं, इंक्वायरी होने के बाद पता चलता है क्या सच्चाई है। अच्छा, किसी तरह का किसी आपराधिक तत्व से आप लोग के पहले भी किसी तरह की घटना? ऐसा तो कुछ नहीं हुआ आपराधिक तत्व के बारे में, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा तो कोई घटना अभी तक नहीं हुआ, नोटिस वगैरह पर आया। ऐसा किसी साथ से झड़प वगैरह कोई कुछ नहीं, हम लोग कोई झगड़ा वगैरह कभी और मतलब पूर्व में ना कुछ नहीं। तो अभी ड्यूटी करने में आप लोगों को परेशानी नहीं ना हो रही? ना अभी तो कोई परेशानी नहीं है। डर भय किसी तरह का नहीं ना? डर भय जो दिया है, इंक्वायरी चल रहा है तो उसमें तो डर भय तो प्रशासन की ओर से आपको क्या प्रोटेक्शन? प्रशासन के लोग से आए थे, उन्होंने बताए, उन्होंने इंक्वायरी कर रहे हैं, उसके बाद आगे करवाई। प्रोटेक्शन की बात बताई गई? प्रोटेक्शन के बाद RPF वगैरह है, RPF BRPF यहाँ पर स्टेशन में है। वो अभी हाँ, कुछ दिन पहले तो यहाँ RPF की तैनाती नहीं थी। अपराधी मक्खन दादा ने जिस जुदा अंदाज में रंगदारी मांगी है वो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा है। मामले की सूचना GRP और RPF को दी गई है। रंगदारी मांगने वाला मक्खन दादा कौन है इसका पता भी लगाया जा रहा है। सुरक्षा की पूरी व्यवस्था कर दी गई है।